मेरे ख्याल में आज 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हर घर हर स्कूल में हर जगह हर चौराहे पे तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। आगे बढ़ना है और हकीकत हकीकती हिंदुस्तानी आवाज बन के उभरना है। योगदान है तो उनसे भी गुजारिश है कि वो यहाँ आकर इस मिठाई की तकरीब में शमूलियत कर ले। मेरे अजीज साथियों, जब से हमने यहाँ पे 370 35A खत्म हुआ, यहाँ के नौजवानों ने राहत ले ली। मेरे अजीज सारी साथियों, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस ने अपनी हुकूमत में जितनी कत्लोगारत की अब वो मुमकिन नहीं है। मेरे अजीज साथियों, हम तरक्की के दौर में चल रहे हैं, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें फिरक परस्तों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये तब मुमकिन हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने इन गुल्लू इन चोरों इन रफंगों इन मकार सियासतदानों की नकेल खींची, इनको जेलों का रास्ता दिखाया। ये हकीकत है मेरे अजीज साथियों। आज हम वादा करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को खासकर जिले कुपवाड़ा में घर घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज साथियों, आज तक किसी गरीब को पूछा नहीं जाता था, मगर जब से हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली, इस गरीब की आवाज को उभारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर वर्कर इसके लिए जुटजहद करता है। मेरे दोस्तों, ये खुशी का मुकाम है, आज हर गली कोचे में तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। मगर आज दिल खुश हुआ उसके बाद ने हमारे तिरंगे को सलूट किया और 15 अगस्त के दिन पर बुरहान वानी के बाप ने झंडा लहराया।